भारत नेपाल सीमा के हरिने बॉर्डर पर तैनात एसएसबी 48वीं वाहिनी के जवानों ने मानव तस्करी पर रोकथाम को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। नेपाल से लाए जा रहे 5 बाल श्रमिकों के साथ 2 युवक को एसएसबी ने गिरफ्तार कर हरलाखी पुलिस के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार दोनों युवक हरलाखी थाना क्षेत्र के हरिने गांव निवासी मोहम्मद नसीम अंसारी व इरफान अंसारी के रूप में बताए गए हैं। जानकारी देते हुए हरिने एसएसबी कंपनी इंचार्ज इंस्पेक्टर सुनील दत्त ने बताया कि नेपाल के 5 नाबालिग लड़कों को बॉर्डर के रास्ते बिहार से असम के दुमदुमा तिनसुकिया के बेकरी फैक्ट्री में काम करवाने के लिए ले जाया जा रहा था। बॉर्डर रेफरेंस किलर संख्या 49 के निकट चेकपोस्ट ड्यूटी के दौरान बच्चों के समूह के साथ 2 व्यक्तियों को जाते हुए एसएसबी जवानों ने देखा। शक होने पर जवानों ने पूछताछ की। बच्चों द्वारा संदेहास्पद बयान देने पर कंपनी इंचार्ज को मौके पर बुलाया गया। प्रारंभिक पूछताछ करने पर कंपनी इंचार्ज को मामला तस्करी का प्रतीत हुआ, मानव तस्करी का प्रतीत हुआ। एसएसबी ने 5 बच्चों के साथ दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद एसएसबी ने चाइल्ड हेल्पलाइन एवं हरलाखी थाना की पुलिस को सूचित किया। पकड़े गए युवक ने अधिकारियों के समक्ष पूछताछ में बताया कि वह हरिने गांव का रहने वाला है और फिलहाल दुमदुमा तिनसुकिया असम में रहता है। असम में उसका बेकरी का फैक्ट्री है। पकड़ा गया दूसरा युवक इरफान उसका भतीजा है। वह रास्ता बताने के लिए नेपाल तक गया था। 5 नेपाली लड़कों को वह अपनी फैक्ट्री में काम के लिए 6,000 से 8,000 रुपये प्रति माह के वेतन का वादा कर ले जा रहा था। एसएसबी की इस कार्रवाई में मुख्य आरक्षी आशीष कुमार, आरक्षी अमरेंद्र कुमार सहित अन्य जवान भी शामिल थे। ये कार्रवाई हुई, क्या मामला? एक्चुअली चेक पोस्ट पर ड्यूटी था हमारा, तो हमारे आशीष कुमार हेड कांस्टेबल हैं, अमरेंद्र कांस्टेबल हैं, तो चेक पोस्ट पर ड्यूटी पे थे। तो एक 5 बच्चों के साथ दो इंडियन सिटीजन थे, लेके आ रहे थे उनको चेक पोस्ट पे थ्रू। तो उनको शक हुआ कि भाई इतने ग्रुप में बच्चे कहाँ जा रहे हैं। पूछा, एक बच्चे से पूछा तो उसने 2 बार में अलग अलग तरीके के बयान दिए, जिससे इनको शक हुआ। उसमें उन्होंने पूरी टीम को वहां बिठा लिया और मुझे कॉल किया आगे, जैसे मैं एज ए हरने कंपनी एसएसबी का एज ए पॉलिसी काम पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने वहां पे जाके पूछताछ की तो उससे क्लियर चीजें होनी शुरू हुई और लास्ट में ये प्रतीत हुआ कि बच्चे काम के लिए उनको आसाम में ले जाया जा रहा था। इंडियन सिटीजन है दोनों, ये बच्चे 5 नेपाल के रहने वाले हैं। कंपनी इनको कंपनी में लाया गया। तो क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है? हाँ, ये श्योरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। 5 बच्चे हैं, 5 की एज जो है अंडर 14 है। नेपाल से लाया जा रहा है? नेपाल से लाया गया है। अच्छा। ये साबुनी का गांव है उनका, 45 मिनट का रास्ता है। बच्चे